एक लड़की ने, कहाँ की बात है, शायद मुंबई की बात है, हैदराबाद के, वो उठ कूद कूद के जो जिससे थप्पड़ मारे थे लड़के को, लखनऊ की बात, लखनऊ की लड़की थी वो, तो लखनऊ की बात थी। तो आप लोग बताओ, देखो लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई और भी होता उसकी जगह पे, जेंडर डजंट मैटर, जो गलत है वो गलत है, उस लड़की ने वाकई में गलत किया। पूरी वीडियो आप ध्यान से, मैंने भी देखी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। शुरू में तो ऐसे लगा कि वो लड़की कितनी यू नो ऐसे है वैसे है, उसने डर नहीं लगा उसको, उसने मारा, बट किसी चीज को गलत, इस एक्चुअली वो क्या होगा, फिर आपको जो पावर्स मिलती है ना वो गलत फायदा उठाने लगते हो, वो गलत बात है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, लड़कियों को हमेशा पावर देनी चाहिए, बट लड़कियों को भी समझना चाहिए कि अगर आपको पावर मिल रही है तो उसका गलत इस्तेमाल हमें नहीं करना। सेम वो लड़कों के लिए भी होता है, जोमैटो की बात नहीं कर रहा हूं, आधे लोगों को पता ही नहीं है, लखनऊ में एक लड़की ने पहली बात तो ग्रीन सिग्नल था, ठीक है। और देखो वैसे तो मैं कोई नहीं होता हूं, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैं आपके ओपिनियन नहीं थोप रहा हूं, पहली चीज तो मेरा ओपिनियन है कि ऐसा हुआ था जो मैंने देखा बस, और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पे अपना ओपिनियन थोप नहीं रहा हूं। तो मुझे बड़ी चीज अजीब लगी कि ग्रीन सिग्नल है, गाड़ियां जा रही हैं, तो फिर आप जेब्रा लाइन को क्रॉस क्यों कर रहे हो? तो आप जब जेब्रा लाइन क्रॉस कर रहे हो, आप कई मैंने देखा उस फुटेज के अंदर कि गाड़ियों से भिड़ते भिड़ते बची है वो, फिर अब आपको तो अच्छी बात है कि आप जब गुजर रहे थे तो उस गाड़ी टैक्सी वाले ने रोक लिया ताकि आपको कोई हार्म ना हो, ठीक है। Obviously, कितना अच्छा काम किया उसने, रोक लिया तो ये तो अच्छी चीज हो गई, ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए थे। पता नहीं इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो वहां पर आई, और ये बिल्कुल गलत है। मैं पर्सनल व्यू मेरा यही है कि दैट इज रियली रॉन्ग, उस लड़के के साथ बहुत गलत किया है ना, और कोई कुछ आपके टच भी नहीं हुई गाड़ी, फिर भी आपने क्या किया उसके साथ, इतना उसको मारा, बेइज्जत किया। लेकिन जो लड़का लड़की को सपोर्ट कर रहा था, उस लड़की ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी मारा, तो बड़ी अजीब सी कहानी है। तो दैट्स वेरी रॉन्ग, आपको काबू रखना चाहिए अपने आप पे और सोच समझ के करना चाहिए, ये गलत बात है। और आज वैसे भी देखो जमाना ही ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है, आप कितना झूठ बोलोगे, नहीं बोल सकते हो। लोगों ने वीडियो बनाया उसके साथ सामने आ गया, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसमें भी दिखाई दे रहा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जो फुटेज, तो अब ऐसे नहीं बच सकते हो कुछ भी आज करके, पहले वाले जमाने नहीं है। उसने करा कि मैं तो बहुत बड़ी बात कर दी, बट जब क्लिप सामने आई तो वो कैमरा लगा, उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सड़क पे लगे कैमरे काम भी करते हैं, ऐसा तो नहीं था, तो वो कैमरे काम कर रहे थे, और फाइनली है ना उसने उस लड़की का सच दिखा दिया।